आज पनबस और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों द्वारा धरना लगाया गया। जी हां, आपको बता दें, आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बस स्टैंड पठानकोट में चक्का जाम रहा। इस दौरान सभी सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठे थे और उस दौरान बस स्टैंड से कोई भी सरकारी बस नहीं निकली, जिससे बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने मान सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और बताया कि मान सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु सत्ता में आने के बाद उनमें से कोई भी वादा पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शन सर पंजाब के 29 डिपुआ अंदर पन बस सने PRTC 12 तो 2 बजे तक मुकम्मल बस स्टैंड बंद किए गए। उसका मेन कारण यह है कि जदों की पंजाब सरकार सत्ता च आई है नवी आम आदमी पार्टी की, साड़िया हर महीने तनखावं जड़िया 6-7 तरीक न आ जाए ही, वह हूँ तनखावं का कोई पता ही नहीं लगन डे। अफसर ना गल करिए, कहें जी कोई बजट पास नहीं हो रहा, तो कोई समझ नहीं आ रही तनखावं बारे कि अपने घर के खर्चे किदा चलाइए। अगे घट तनखावं उपर वर्कर काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार जिले सत्ता च आई ही तो मान साहब ने वादा किया कि आते सारी पंजाब के जोड़े सरकारी डिपार्टमेंट जनतक सेवा के दायरे आ, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सरकार की रीढ़ की हड्डी होंगे डिपार्टमेंट। तो जे सरकार की रीढ़ की हड्डी टुट गई तो सरकार किदा चलेगी। इस महकमे अंदर साड़िया माता भैणों फ्री सहूलत मिली ने, तो जे महकमा बचेगा तो यह सहूलत भी उन्होंने बच्चों तक पहुँचनगियाँ, तो जे महकमा ही ना रहा तो सहूलत कितों मिलनगियाँ। ये सरकार वड़े वड़े वादे करके सत्ता च आई है। सो सरकार अगे बेनती है कि इन कच्चे कामों जोड़े महकमे अंदर जिन्होंने 14-14 साल तो अपनी सेवा निभाई है, कोरोना महामारी के दौरान, हड़ां की स्थिति के दौरान, जंगा की स्थिति के दौरान, जिन्होंने तनो मनो डिपार्टमेंट की सेवा करन दे, इन्हां बंदियां नूं महकमे अंदर पक्का किया जाए। नाल लगती स्टेट हिमाचल ट्रांसपोर्ट, वो अंदर 2 साल बंदे कंट्रैक्ट पर रख के बड़ा सोहनी पॉलिसियां बनाईया ने उन्होंने, तो महकमे अंदर नाल नाल रैगूलर करी जान दे, तो उन्होंने घर का पालन पोषण बड़ा वधिया तरीके नाल चलन दे। तो इतने सरकार ने 36,000 मुलाजमान नूं पक्का करना, तो सरकार नूं वक्त पिया कि कोई पॉलिसी नहीं लभन दी, जे नहीं लभन दी तो नाल लगती हिमाचल वाली स्टेट हैगी है, क्योंकि मान साहब ने पहला ही पंजाब दे लोकां नूं पूरा विश्वास दवाया मैनू चंगी पॉलिसी जिथों मिलेगी मैं उत्थों अडाप्ट करांगा। क्यों? एजुकेशन की पॉलिसी, हेल्थ की पॉलिसी उन्होंने दिल्ली तो अडाप्ट की है, कहिंदे दिल्ली बहुत वधिया। तो साडी मान साहब अगे इहो ही बेनती है, ये डिपार्टमेंटां दे अंदर तुहाडे ही भैण भरा जिहड़े किते होर विभागां च टीचर मैडमां ठेकेदारी सिस्टम अंदर लगे ने, तुहाडे ही भैण भरा ने, जे कितों इन्हां कोल पॉलिसी नहीं बनन दी, नाल लगदी हिमाचल ट्रांसपोर्ट वाले कोल पॉलिसी ले लो तो वह पॉलिसी पंजाब अंदर लागू करो, तां जो अपने बच्चों का सही तरह पालन पोषण कर सकन। तनखावों लैके भी प्रदर्शन किया जा रहा, तनखाह जी कि अब 13 तरीक हो गई नहीं पई है, पिछले 3 महीने तो यही हाल है, जो आने वाले समय के जल्दी तनखा नहीं पैंती तो अगला तुहाडा संघर्ष की होगा। देखो जी, पिछे एक सुनहरे पंजाब दे विच माणयोग ट्रांसपोर्ट मंत्री दे बयान आ रहे सी कि महकमा बिल्कुल तरक्की ते हैगा, 66% वाधे जान दिया, तो अं उन्होंने बेनती करते हैं जे तू अफसर कोई सही फिगर नहीं देन दे, जे तू सही फिगर किसी ने दिखाई, जे महकमा वाधे च हैगा तो पहला घाटे च तनखावं टाइम टू टाइम आन दी, हूँ तो महकमा वाधे च, हूँ तो पहला 6 नूं आंदियां, हूँ सगों 2 तरीक नूं तनखावं खाते च पैनी चाहिए, हूँ तनखावं लेट क्यों हो रही, की कारण आ? सो साडी सरकार अगे इहो ही बेनती है कि इहदा सही ढंग नाल महकमे नूं चलाया जाए। इन्होंने पहला ही सत्ता च आने तो पहला वादा किया वा हर महकमे अंदर ठेकेदारी सिस्टम नूं खत्म किया जाएगा जड़ तो, जिहड़े वर्करां दा शोषण करदे ते खून चूसदे ने। तो साडी सरकार अगे इहो ही मंग है, ठेकेदारी सिस्टम नूं बंद किया जाए, किलोमीटर ठेके अंदर गड्डियां ना पाईया जाण, तां जो लोकां नूं सही सहूलत जिन्हां नूं मिलदी रहे, तो उहदे विच नवीं बसां जे पाणियां वी आ ते पन बस विच पा के इहनूं कोई कारपोरेशन बढ़ा के तो इन्हों बंदियां किसी रूल ऑफ रेगुलेशन के अंदर लिया के तो महकमे अंदर पक्का किया जाए, तो अपने बच्चों के परिवार का सही ढंग नाल पालन पोषण कर सके। पनबस कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन PRTC
अज 27 दे 29 दे 29 डिपू बंद होए ने 12 तो 2 बजे तक कॉल की थी सेंटर बॉडी ने भी ये डिपू बंद करो। सानू हर महीने जो दी मान सरकार आई है इन्होंने हर महीने सानू डिपू बंद करा के तनखावां पाउंदे उदा इन्हां दा बजट नहीं आउंदा। ये आंदे साडे कोल बजट है नहीं, अज बंद किया कल नू साडा बजट आएगा। तो साडी बेनती मान साहब नू इहो ही आ वी साडे बंदे जिहड़े आ जिन्हां दीआं रिपोर्टां आईआं वा तेल दीआं रिपोर्टां ने जिन्हां दीआं कोई उदा कनैक्टरां दीआं रिपोर्टां आईआं वह बंदे बहाल करके महकमे च लए जाण। तो ये बसां जिहड़ीआं खलोतीआं ने अंदर सही ढंग नाल इन्हां नू चलाया जाए, इहो मेरी बेनती आ। ट्रांसपोर्ट मंत्री गाड़ी भी इहो बेनती आ भी जे वादे जाण डिआ ते सारीआं तनखावां टाइम नाल टाइम पाईआं जाण। धन्नवाद। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट पठानकोट। नाउ गेट 20% डिस्काउंट ऑन कोर्सेज विद लिमिटेड सीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। Contact us on 9540066113.